सवासन में आ जाएंगे, सवासन में आ जाएंगे, सीधे लेट जाएंगे, ऊपर मुंह करेंगे। हाँ जैसे सिंपल सोते हैं ऐसे, सब आसन सौ मीन जैसे सौ मीन क्या होता है, जो बड़ा आदमी होता है ना उसको बोलते हैं सौ, सब आसन। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों पाँव की तरफ, दोनों पाँव के जो पंजे हैं उनकी तरफ आपने ध्यान लेकर जाना है, अपना मुंह नीचे करो। आप सुन रहे, मेरी बात सुन रहे, आपने क्या करना है, आपका ध्यान दोनों पंजों की तरफ हो, आपका दिमाग आपका दोनों पंजों की तरफ हो, दोनों पंजों को एक बार झटका देने लग लो। आप झटका देने के बाद अब आपकी आपका ध्यान जो है अपने घुटनों की तरफ जाना चाहिए, महसूस करें कि मैं अब घुटनों की तरफ आ रहा हूँ। घुटनों की तरफ आते ही घुटने के ऊपर फिर आपने एक बार जोर का झटका देना है। जोर का झटका देने के बाद घुटनों से नीचे का जो पार्ट आपका ये भूल जाइए कि है कि नहीं मेरा। अब आप छाती की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे करते हुए, छाती के ऊपर आते ही आपने छाती से एक बार फिर आपने झटका देना है। अब छाती से नीचे का जो पार्ट है आप भूल जाइए कि मेरा है कि नहीं है। अब आप सिर की तरफ आ रहे हैं और दिमाग के ऊपर आपको फिर आपने एक बार झटका देना है दिमाग के ऊपर। अब आप भूल जाइए कि मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। मरा हुआ जो आदमी होता है वो है आपको, इस बात को महसूस करके आराम से पूछा जाए कोई विचार आपसे क्यों गया हो, किसी जगह कोई विचार नहीं होता हमारे कोई बात है ना, तो हम अचेतन मन में होते हैं। तो उसी तरह अपने अगर आप इस भावना से हैं तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपको नहीं जा जाएगी, अपने मन के अंदर कोई विचार न रखें आप लोग। केवल आपने ये देखना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। श्वास को आपने लंबा लेना है और
लंबा ही छोड़ना है, जितना आप लंबा श्वास लेंगे उतना ही आपके फेफड़ों के लिए लाभदायक होगा ये, और अपने छाती के जितने भी श्वास संबंधित रोग हैं वो सभी ठीक होंगे। इससे सहज भाव से लेंगे और श्वास लेते समय आपने महसूस करना है कि ये श्वास मेरा कहाँ जा रहा है। आपके कुछ कार्य किसी को